हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी को हमारे चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि जैसे कि रेलवे ने रेलवे ग्रुप डी 2019 का स्टेटस चेक करने का लिंक दे दिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने लिंक के थ्रू आप लोगों ने अपना अपने स्टेटस चेक कर ही लिए होंगे, और जो नहीं किए हैं फटाफट से अपना स्टेटस चेक कर ले, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे आप लोग को जो है रेलवे ने ग्रुप डी का स्टेटस चेक करने का लिंक दे दिया है, तो इसका मतलब है कि आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ले लिए जाएंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आपका एग्ज़ाम में कोई खास दिन अब नहीं बचा हुआ है, करीबन आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका रेलवे ग्रुप डी 2019 को हम देखते हुए जो है मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेशन यानी कि इंपॉर्टेंट क्लास कराने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ टारगेट रेलवे ग्रुप डी 2019, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी 2019 को मैं टारगेट करके मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण आपका जो प्रीवियस ईयर 2018 में ग्रुप डी का क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि रेलवे जो है पिछले ईयर का क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन रेलवे जो है पिछले ईयर का पूछते हैं, या फिर जिस टॉपिक से पिछले ईयर में उठाया है उसी टॉपिक से घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर मतलब कि 2018 में ही आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जिसमें कुल 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम खत्म हुआ। तो समझ सकते हैं 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो 135 शिफ्ट में जो है करीबन आपका प्रत्येक शिफ्ट में 30 साइंस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 135 शिफ्ट को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 4050 आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो मैं यहां पर आपको जो है 135 शिफ्ट में 135 शिफ्ट के क्वेश्चन जो है आपका मैं 60 क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। कितने क्लास में मैं कराने वाला हूँ, 60 क्लास में कराने वाला हूँ। और सारे जो है शिफ्ट का जो क्वेश्चन है मैं साइंस का क्वेश्चन सिर्फ छांट छांट के अलग कर करके मैं आपको इकट्ठा कर रहा हूँ 30 क्वेश्चन, और प्रत्येक शिफ्ट का जो क्वेश्चन है सिर्फ साइंस का एक जगह करके मैं आपको बताने वाला हूँ पर शिफ्ट वाइज, ठीक है। शिफ्ट वाइज क्वेश्चन बताऊँ किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक क्लास में, ठीक है, डेली का दो शिफ्ट के 50 प्रश्न मैं बताने वाला हूँ। एक क्लास में डेली में दो शिफ्ट बताऊंगा, ठीक है, दो शिफ्ट के प्रश्न बताऊंगा जिसमें कि आपका 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका कितने प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे। और वो सारे प्रश्न आपका आंसर की जो वहाँ पर देता है वो आंसर की का क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आंसर की का क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि आंसर भी आपका दिया हुआ रहेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर कारण भी कि यह आंसर इसका है तो क्यों है, किस कारण से इसका आंसर ये हुआ। और अगर कोई बंदे वहाँ पर गलत दिया है तो उसका आंसर गलत तो होगा ही, लेकिन क्यों उसका आंसर उस तरह हो रहा है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। मतलब कि मैं उस टॉपिक का डिटेल्स में बतलाऊँगा, ठीक है, जिससे आपका और भी अगर क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा जाए तो आप लोग को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ग्रुप डी का मद्देनजर रखते हुए आपका जो है प्रीवियस ईयर 2018 वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन लेकर के यहाँ आया हूँ। और जो क्वेश्चन है सारे का सारे साइंस का क्वेश्चन है, विज्ञान का क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप लोग को विज्ञान जो है 30 नंबर का पूछे जाएंगे, तो आप लोग को ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाले हैं विज्ञान के, ठीक है, जो आप लोग को जो है 2019 में भी लगभग इसी से क्वेश्चन पूछ, लगभग क्या पूरा पूरी 100% इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ इसी का क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिर्फ घुमा फिरा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं टोटल 60 क्लास आप लोग को लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है फटाफट से हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आप लोग को 60 क्लास चाहिए तो, ठीक है। और आप लोग को पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेंशन मत लीजिए, आप लोग को जो है लिंक दिया जाएगा उसके थ्रू आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग को वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आंसर की का स्क्रीनशॉट का प्रश्न, मतलब कि जो भी आंसर की में देख रहे थे जितना इतना नंबर का क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट लिया गया है, और एक जो है क्रम से 30 क्वेश्चन को जो है इंक्लूडेड किया गया है, टोटल दो शिफ्ट का 50 क्वेश्चन इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। तो लेवल वन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 17/9/2018, तो 17/9/2018 से ही ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये जो है आपका मैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज आप लोग को जो कराने वाला हूँ कौन सा शिफ्ट का है। तो 17 का पहला और दूसरा शिफ्ट का है, और कैसा किस टाइप का प्रश्न है आप लोग देखिए, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग जो है अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है गाइज। तो चलिए देखते हैं आज का जो है पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018, ठीक है, CEN नंबर 02/2018, ठीक है। तो यह जो है रेलवे ग्रुप डी द्वारा जो लिया गया एग्जाम था 2018 का, CEN नंबर 02/2018 का वो है, उसका आंसर किया है, ठीक है। और उसी से मैं क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगा। 17 देख सकते हैं आप, ठीक है, पहला शिफ्ट 17/9 का, ठीक है, 17 तारीख 9 महीना का ये पहला शिफ्ट है, जो कि 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक का एग्जाम हुआ था।
और यह जो है ये हमारे चैनल वाईफाई कॉन्सेप्ट के द्वारा आप लोग को कराया जा रहा है। तो आप लोग को ठीक है प्रत्येक वीडियो अगर चाहिए, जैसे कि मैं साइंस में अपलोड कर रहा हूँ, उसी तरह मैं जीके जीएस भी अपलोड करूँगा, जीके भी अपलोड करूँगा, ठीक है, उसी तरह मैं करंट अफेयर भी अपलोड करूँगा। तो आप लोग को अगर चाहिए सारे वीडियो तो यहाँ पर आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आप लोग को जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन इस शिफ्ट का पूछा गया था वह कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास जो पहला प्रश्न, देखिए इस तरह से यहाँ पर कुछ आंसर की है, ठीक है, जो रेलवे के द्वारा जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है आंसर की ही उसका मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है, आंसर के थ्रू ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि यह क्वेश्चन है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन का नंबरिंग में गड़बड़ हो सकता है, कहीं पर 5 नंबर कहीं पर 6 नंबर, क्यों, क्योंकि आपका जो है एक क्रम से साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कहीं पर 5 नंबर में साइंस का क्वेश्चन पूछा तो फिर दूसरा साइंस का क्वेश्चन कहीं पर 9 नंबर में पूछा, फिर 25 नंबर में पूछा, चाहे फिर 10 नंबर में पूछा, फिर 11 नंबर में पूछा, तो फिर 29 नंबर में पूछा, इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए क्रम में आप लोग मत जाइएगा, कहीं से भी कोई भी क्रम हो सकते हैं, मैं एक जगह सब क्वेश्चन सिर्फ इकट्ठा किया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिया हुआ 1 नंबर में भार में परिवर्तन होता रहता है, 2 नंबर में दिया है द्रव्यमान में परिवर्तन, और 3 नंबर में दिया है आपका आकृति में परिवर्तन होता रहता है, और 4 नंबर में दिया है चाल में परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ, आंसर तो होगा ही यहाँ पर चाल में इसका परिवर्तन को बतलाता है, ठीक है। असंतुलित बल जब किसी पिंड पर लागू किया जाता है तो इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता है, ठीक है, ये आंसर तो सही है एकदम। तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग को चाल में परिवर्तन क्यों होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है ठीक है, या सर्कुलर है, किसी भी तरह का है बॉडी, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक फोर्स इधर से एक बल लगा रहे हैं, मान लीजिए एक बल आप इधर से भी लगा रहे हैं, ठीक है, इधर से लगा रहे हैं आप 50 न्यूटन का बल, इधर से लगा रहे हैं आप 100 न्यूटन का बल, ठीक है। अब बताइए कि बॉडी रेस्ट अवस्था में रहेगी, रुका हुआ रहेगा, या फिर बॉडी मूव करेगा। तो गाइज आप अगर इधर कोई अगर एक तरफ से 50 न्यूटन का बल लगा रहा है और एक तरफ से 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो यह निश्चित है कि बॉडी जो है इस तरह मूव करने लगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में मूव करने लगा बॉडी, ठीक है। तो जब बॉडी मूव करने लगा इससे क्या पता चल रहा है कि बॉडी का चाल में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, चाल में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, या रुका हुआ है चलने लगेगा, और चला अगर यह चल रहा है बॉडी तो यह और भी तेज़ी से चल सकता है, ठीक है। तो इस तरह इसका चाल में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या इसका भार में मतलब इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा। मान लीजिए इस बॉडी का वेट द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो इसका बल लगाने के बाद भी तो इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम ही रहेगा, तो इसलिए इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका द्रव्यमान उत्तर नहीं होगा। जब द्रव्यमान उत्तर नहीं होगा तो भार भी नहीं होगा, क्योंकि भार बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, भार बराबर क्या होता है, भार मतलब वेट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg यानी कि मास गुना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये जो होता है कांस्टेंट होता है, जी का मान 9.8 होता है, ठीक है, जी का मान 9.8 होता है, तो इसमें भी परिवर्तन नहीं होता और एम में भी परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, भार में भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, भार में भी परिवर्तन नहीं होगा। अब बच गया आकृति, तो आकृति तो उसका परिवर्तन होगा ही नहीं, बॉडी का आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, बॉडी का आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इस तरह से क्या होगा, उसका चाल में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और मैं बता देता हूँ कि जब कोई पिंड है, ठीक है, कोई भी पिंड है, उस पर जब असंतुलित बल लगाया जाता है तो वह मोशन में हो या रुका हुआ है, ठीक है, उसका चाल में एक परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, उसका चाल में परिवर्तन किया जा सकता है, और दूसरा मतलब उसका वेग में परिवर्तन किया जा सकता है, और दूसरा क्या, उसका दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए इधर से एक बल लगा रहा है और एक बल इधर से लगा दिया, तो बॉडी इधर मूव कर रहा है, तो मूव करते करते क्या होगा, इधर चला जाने लगेगा, इसका डायरेक्शन जो है दिशा में परिवर्तन हो सकता है। तो ये आप लोग 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब कोई असंतुलित बल किसी पिंड पर लगता है तो क्या होता है, उसका चाल और दिशा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि निषेचन अंडा, ठीक है, निषेचित अंडा। और गाइज आप लोग को जो है टाइम अगर लग रहा है तो आप लोग उसका टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग को उस टॉपिक से मैं पूरा क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक जैसे कि मैं पिछला में भार के बारे में फार्मूला बता दिया, जी का मान भी बता दिया, तो इस तरह से और 2 चीज़ में बताया कि इधर इसका डायरेक्शन परिवर्तन हो जाता है तो उसका चाल में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मैं इसी तरह से आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग का उससे और भी क्वेश्चन आए अगर 2019 के एग्जाम में, तो आप लोग का ना छूटे, ठीक है। और जो क्वेश्चन सिंपल है उसको मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मज, ठीक है, निषेचित अंडा कोमा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए निषेचित अंडा, अंडा का निषेचन होता है सबसे पहले, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं निषेचित अंडा। उसके बाद इसका युग्मज, ठीक है, दोनों जो है क्या होता है, लास्ट बदल जाता है, किसमें बदल जाता है,
यह जो है गर्भाशय में बदल जाता है, निषेचित अंडा, ठीक है, निषेचित अंडा और युग्मज जो है वह किस में बदल जाता है, गर्भाशय में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों, गर्भाशय में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, ठीक है। एक लैटिन होता है, ठीक है, लैटिन शब्द आप लोगों ने सुना हो गया, तो लैटिन शब्द से कोई रासायनिक वर्ड जैसे लिया गया है, तो बहुत सारे रासायनिक वर्ड लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है। लैटिन का पहला 2 अक्षर से लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम, सोडियम का हम लोग फॉर्मूला सूत्र संकेत जानते हैं, Na, तो Na इसका संकेत क्यों लिया गया है, ठीक है। प्रतीक का मतलब क्या हुआ, संकेत क्यों लिया गया है संकेत, क्योंकि इसका जो होता है लैटिन नाम होता है सोडियम का नेट्रियम, ठीक है, NATRIUM, नेट्रियम होता है सोडियम का आपका लैटिन नाम। तो इसी के 2 पहला अक्षर जो है Na, उसको उठा करके इसका संकेत दे दिया है कि सोडियम का संकेत क्या होगा, Na होगा, इसका प्रतीक क्या होगा, Na। तो इसी तरह यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इतना जो दिया गया है इसमें से किसको जो है लैटिन प्रतीक से नाम रखा गया है, ठीक है। एल्युमिनियम का नाम नहीं रखा गया लैटिन से, ठीक है, क्लोरीन भी लैटिन नाम से नहीं लिया गया है, और कार्बन का भी संकेत या प्रतीक जो है लैटिन नाम से नहीं लिया, लेकिन आयरन, आयरन का जो संकेत है वो लैटिन नाम से लिया गया है, उसका नाम क्या है, फेरम, फेरियम या फेरम इसी तरह कुछ होता है, फेरियम होता है, ठीक है, तो फेरियम से लिया गया है, ठीक है। फेरियम का पहला अक्षर जो है, फेरम का पहला अक्षर जो है Fe, उसी के नाम पर रखा गया है, आयरन का संकेत दिया गया है, Fe पहला 2 अक्षर उठा के आयरन का संकेत, आयरन मतलब लोहा और उसका संकेत क्या होता है Fe, ठीक है, आयरन का संकेत क्या होता है लोहा, और यह इसका संकेत क्या होता है Fe, और यह जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को कुछ दिखा देता हूँ और सारे, और जैसे कि कौन कौन से तत्वों का नाम जो है लैटिन नाम से लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से तत्वों का नाम लैटिन से लिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये मैं एक यहाँ पर आप लोगों को दे दिया हूँ, ठीक है, सारे लिस्ट दे दिया हूँ यहाँ पर आप लोग को, जैसे कि बोला जा रहा था कि आयरन का, ठीक है, तो आयरन यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं आयरन का जो है संकेत क्या होता है Fe, किससे लिया गया, फेरम से, FeRUM, फेरम इसका लैटिन नाम है, और इसका पहला 2 अक्षर से लिया गया है Fe को ले लिया गया है, और इसका संकेत रख गया है प्रतीक Fe, ठीक है। उसी प्रकार जो है सोडियम का आप लोग को जैसे पता होना चाहिए, नेट्रियम से लिया गया था, देखिए सोडियम, तो सोडियम का क्या होता है लैटिन नाम नेट्रियम, Na का पहला 2 अक्षर लिया गया है, और इस तरह से सोडियम। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, और इस तरह सारे आप लोग याद कर लिए, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है वह है, हाँ, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है कि कोई बल, ठीक है, 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, ठीक है, गति को कितना बढ़ा देता है, 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आप लोग को बतलाना है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ठीक है, कार्य को आप लोग को बतलाना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कार्य बराबर क्या होता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एक मतलब थोड़ा सा लॉजिक वाला दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक किलोग्राम जो दिया है मास दिया हुआ है, और आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि मास कितना दिया हुआ है आपका 1 किलोग्राम, यू कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, और भी कितना दिया हुआ है आपका 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 3 चीज़ दिया हुआ है आप लोग को, बोल रहा है कार्य निकालने, ठीक है। तो कार्य क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होता है, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो ऊर्जा होता है, तो यह किस फार्मूला से निकलेगा, गतिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा के फार्मूला से यह निकलेगा, आप लोग को पता होना, ऊर्जा की भी ऐसा ही मात्रक जूल होती है, और कार्य की भी ऐसा ही मात्रक जूल होती है, ठीक है, तो इसीलिए यह ऊर्जा के फार्मूला से निकलेगा, ठीक है, और कौन सा फार्मूला, तो 1/2 mv² के फार्मूला से निकलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा। तो देखिए फाइनल आपका जो हो जाएगा कार्य क्या हो जाएगा, फाइनल कार्य आपका होगा, कार्य जो होगा वह होगा n/2 mv², और माइनस उसमें कौन सा कार्य करना है, इनिशियल कार्य को, ठीक है, 1/2 mu², ठीक है, ठीक है, यह भी एक वेलोसिटी है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 × मास है 1, ठीक है, इंटू वेलोसिटी कितना है आपका, भी कितना था 8, तो 88 कितना, 8² = 64 हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पर क्या होगा 1/2 × मास 1 है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4² मतलब कि 16 हो जाएगा, तो 2 से 16 कटेगा कितना बच गया, 8 बच गया इधर, और इधर 2 से 64 जाएगा तो कितना होगा 32, ठीक है। देखिए 32 में जब 8 घटेगा ना तो 24 आएगा इसके अंदर, कितना आएगा 24, तो 24 जूल इस तरह से इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो 24 जूल आपका तीन नंबर में सही आंसर है इसका, ठीक है। और आप लोग को यह फार्मूला याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। इस फार्मूला से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, ठीक है। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण, न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में कोई कार्य किया गया हो तो इसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, एक प्रतिक्रिया होगा, ठीक है। और यह जो है इधर का किया गया कार्य, ठीक है, और इधर का ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका किया गया कार्य, दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा और इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो क्या बताता है न्यूटन के तीसरे नियम, कोई भी मतलब किया गया कार्य एक दूसरे के विपरीत होगा और बराबर होगा, ठीक है। तो इसका नियम कौन सा आपका जो है ऑब्जेक्टिव फॉलो करता है, देखिए, तेजी से आते हुए क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्रफल क्षेत्र रक्षक जो है गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं, तो यह तीसरे नियम का कोई उदाहरण नहीं है, ठीक है। यह जो है आपका पहले नियम का उदाहरण है, जब हम पैदल चलना मतलब कि जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है, यह भी कोई उदाहरण नहीं है, ठीक है। जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, तो यह तो जड़त्व का नियम के कारण होता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, मैं सारे ऑप्शन को इसलिए बता रहा हूँ कि यह किसके किसके कारण हो रहा है, आप लोग को यह भी पता होना चाहिए, कभी नेक्स्ट एग्जाम में ये वाला पूछ देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है जब अचानक बस चलती है तो यात्री क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है यात्री को, आप लोग देखे भी होंगे गाड़ी में बैठ के, ठीक है। तो इससे क्या किस नियम के कारण होता है, जड़त्व के नियम के कारण, ठीक है। और जड़त्व का नियम जो है पहले नियम से प्राप्त होता है, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो तीसरे नियम जो है यहाँ पर रॉकेट का जो लॉन्च होता है वह फॉलो करता है, रॉकेट ऊपर की ओर देखे होंगे आप उड़ता है, कैसे जाता है ऊपर की ओर, वह पीछे की ओर जो है एक जो है क्या करती है, पीछे की ओर से एक थ्रस्ट मिलता है, ठीक है, मतलब कि क्रिया करती है, ठीक है, जिस वजह से उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वह आगे की ओर निकलते रहता है। तो यह इसका सही एग्जाम सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु पर कार्य, ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए गुरुत्व बल की बात कर रहा है, गुरुत्व बल में क्या लगता है, ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। बल का मात्रक क्या होता है, एफ बल का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला एम ए होता है, लेकिन यहाँ गुरुत्व बल बोल रहा है, तो एम ए के स्थान पर कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, तो जी लगेगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम जी हो जाएगा। और एम जी हम क्या बताए थे आप लोग को पहले भी, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, भार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बताए थे, भार बताए थे, ठीक है, जिसको गुरुत्व बल बोला जाता है। तो भार कौन सा हो जाएगा, भार का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी होता है, अभी हम पहले ही बता चुके थे कुछ ही देर पहले कि एम जी होता है भार, ठीक है, जिसमें कि आप लोग बता रहे थे कि जब असंतुलित बल लगाया जाता है तो किधर किधर आपका वस्तु चला जाता है, उसका एक्सेलर मतलब कि उसका वेलोसिटी में जो चेंज हो जाता है, तो भार इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भार मतलब इंग्लिश में वेट बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, ठीक है, मान लीजिए एक कोई वस्तु है, ठीक है, ये है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, और यह जो है एक वृत्तीय पथ पर इस तरह से गति कर रही है, जैसे हम लोग बच्चे में करते थे कि एक कोई रस्सी में पत्थर बांध के और घुमाते थे ऊपर, तो वह कौन सा मोशन करता है, वह वृत्तीय गति करता है, ठीक है। तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो यह जो इसका केंद्र होता है, ठीक है, केंद्र की ओर एक बल लगता है, ठीक है, इस ओर क्या लगता है, एक बल, तो उस बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, कौन सा बल बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, कौन सा अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक बल बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर जो बल लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, अभी तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो हो जाएगा आपका, बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए अब पीएच के बारे में आप कुछ जान लीजिए, पीएच वैल्यू अम्ल या फिर उदासीन या फिर कोई भी चीज़ के क्षारकता को बताता है, ठीक है, मतलब कि एसिड है या सॉल्ट, एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, वो चीज़ बतलाता है। तो एक जो होता है इस तरह परास होता है जो पीएच वैल्यू बताता है, यहाँ पर होता है 7, इधर इसका जैसे आगे बढ़ते जाइएगा 8, इधर आगे बढ़िएगा 9, इधर बढ़िएगा तो हो जाएगा 6, इधर 5, इधर 4,
तो जैसे जैसे आपका पीएच मान बढ़ता जाएगा, उसका क्षारकता बढ़ता जाएगा, ठीक है, बेसिक बढ़ती जाएगी, एसिड और अम्लीयता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पीएच का मान बढ़ता जाएगा, क्षार का मान बढ़ता जाएगा और अम्लीयता का मान घटता जाएगा। और जैसे जैसे पीएच मान घटता जाएगा, उसका अम्लीयता का मान क्या होता है, बढ़ता जाएगा और क्षार का मान घटता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब पीएच मान किसी का 7 हो जाए तो उसको वस्तु को बोलते हैं हम लोग उदासीन, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं या फिर उस घोल को बोलते हैं उदासीन। तो उदासीन जो होता है एक आपका वर्षा का पानी, ठीक है, जैसे कि वर्षा का जो जल होता है वह उसका पीएच मान 7 होता है, वह बहुत शुद्ध होता है, ठीक है, तो उसका पीएच मान क्या होता है 7, तो वह उदासीन जल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताया है कि निम्न से कौन सा विकल्प लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का मान पीएच 7 से कम है। तो यहाँ पर इसका आंसर तो अमोनियम क्लोराइड होगा श्योरली दोस्तों, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जब जल के विलयन में जब मिलता है, ठीक है, जलीय विलयन में अमोनियम क्लोराइड को मिलाते हैं, और अमोनियम क्लोराइड का कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसका फार्मूला भी लिख लीजिए कि इसका फार्मूला आता है NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है NH4Cl। तो NH4Cl को जब हम H2O के साथ मतलब कि जल के साथ मिलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया जलीय विलयन, ठीक है, तो NH4, ठीक है, Cl को जब जल के विलयन के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है आपका जो है उधर जो है क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है, मतलब कि HCl बन जाता है, ठीक है। तो जब अम्ल बन जाता है तो pH 7 से मान जब कम हो जाएगा उस विलयन का, तो वह विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा। तो यहाँ पर HCl बन रहा है, इसका मतलब विलयन अम्लीय हो रहा है, तो इसका मतलब pH मान 7 किसका कम होने से जो है जल मिलाने पर अम्लीय विलयन होगा, तो वह होगा अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। तो बहुत ही मस्त, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, और आप लोग को यह क्वेश्चन जानना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग एक चीज़ याद रखिए, यह रिएक्टिविटी जो होते हैं क्रियाशीलता, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे क्रियाशीलता की कौन सी तत्व कितना क्रियाशील है, कौन सी तत्व कम क्रियाशील है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो तत्व, ठीक है, जो भी परमाणु, ठीक है, जो भी एलिमेंट जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है गाइस, क्योंकि कोई भी आपका ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, जो तत्व जो है या फिर जो भी परमाणु कोई अपना इलेक्ट्रॉन को जितना जल्दी त्याग कर सकता है, ठीक है, उसका रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता उतना ज़्यादा होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा तत्व ज़्यादा क्रियाशील होता है और कौन कौन सा कम। और जो तत्व जितना ज़्यादा क्रियाशील होता है, मतलब जितना उसका ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, वह जो है ठंडे पानी के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। मतलब कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेता है, थोड़ा कम क्रियाशील जो है तत्व वह गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है, और जो उससे भी कम अभिक्रियाशील धातु है वह भाप के साथ यानी कि वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए, ठीक है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कोई भी धातु अगर जल से अभिक्रिया करती है तो उसका ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वाष्प से अभिक्रिया करेगा। तो कौन इसमें जो सबसे कम क्रियाशील होगा वही वाष्प से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आपका एक सीरीज होता है कि काना का मांगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपका लॉजिक है, ये याद करने का एक ट्रिक है कि काना का मांगे से होता है मैग्नीशियम, ठीक है, मांगे, ठीक है, आलू, जिंक आई, या फिर लास्ट में आप बोल सकते हैं अलजी, ठीक है, अलजी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब ये जो पहला तीन तत्व है, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, आप लोग नोट कर लेना है, याद कर लेना है कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का रिएक्टिविटी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और जिसका क्रियाशीलता जितना ज़्यादा होगा वह क्या होगा, उतने ही ठंडे पानी से अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो इस ये जो है ठंडे पानी से अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है, ठंडे पानी से अभिक्रिया कर सकता है। ये जो है थोड़ा कम अभिक्रियाशील होता है मैग्नीशियम, ठीक है, ये जब थोड़ा कम अभिक्रियाशील होता है तो यह गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, ठीक है, यह गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। और एल्युमिनियम, जिंक और आयोडीन, ठीक है, यह जो होता है
थोड़ा इससे भी कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जो है इसको भाप से अभिक्रिया कराना पड़ता है, तभी यह अभिक्रिया कर पाती है। ठीक है, तो तीन चीज़ एल्युमिनियम, जिंक और आयोडीन, ठीक है, आयरन, ठीक है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, मतलब कि इसका संकेत फेरस होता है, Fe। तो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो होता है यह तीनों भाप से अभिक्रिया करता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ, और एल्युमिनियम, जिंक और फेरस जो है भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको जो पूछा गया उसका आप लोग अब आंसर आराम से दे सकते हैं कि एल्युमिनियम होगा इसका आंसर, और एल्युमिनियम जो है भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो है भाप या के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है, और इधर क्या निकालता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड और H2 गैस मुक्त करता है। तो कोई भी धातु अगर जल के साथ या भाप के साथ अभिक्रिया करे तो H2 गैस मुक्त करती है, और ये सब जो है इसका अभिक्रियाशीलता जो है और भी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, एल्युमिनियम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है कि एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है, और एक एल्युमिनियम और एक और होता है लेड, ठीक है, लेड और एक होता है जिंक, तीनों जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तीनों का जो ऑक्साइड होता है क्या होता है, एम्फोटेरिक, मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है, और यह जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है इसका ऑक्साइड, क्योंकि यह जो होता है इसका ऑक्साइड जो होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, इसीलिए बोलता है यह उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसका ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे में यहाँ पर क्वेश्चन करीबन 10 क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 10 से 15। ठीक है, तो इस तरह से मैं सारे जो है आपका क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी कितना दिया है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो यह आसान क्वेश्चन है, दूरी बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय। ठीक है, क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया हुआ है आपका, चाल दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किस में करना है, यहाँ पर किलोमीटर में करना है, तो किलोमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, 18/5 से गुना करना पड़ता है, और दूरी बराबर क्या, तो चाल गुना समय, समय कितना दिया हुआ है 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो 3 घंटे 20 मिनट को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको घंटा में, तो घंटा जो है 3 पूर्णांक क्या हो जाएगा, 20/60, तो 20/60 में 1/3 हो जाएगा, 3 × 9 10/3 कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/3। तो 5 से कितना बार हो जाएगा, 5 × 3 = 15, और 3 से 3 कट गया, तो कितना बज गया यहाँ पर, यहाँ 18 और यहाँ 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यह भी एक भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो गाइस, यह अधातु जो होता है, अधातु नॉन मेटल, ठीक है, अधातु जो होता है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएँ पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका बोरॉन, बोरॉन एक ऐसा अधातु है, ठीक है, बोरॉन जो होता है एक ऐसा अवधातु है, ठीक है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, बोरॉन एक ऐसा अवधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सॉरी गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस्टेक बोल दिया, बोरॉन नहीं होता है, बोरॉन नहीं होता है, कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, ब्रोमीन, Br, ठीक है, ब्रोमीन जो होता है यह एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपका जो है क्लोरीन या फिर हेलोजन ग्रुप जो ऐसा अधातु है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और बहुत सारे अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो तीनों अवस्था में जो है अधातु पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ चुका है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एयर, कौन सा प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है एयर में रिलीज करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है एयर में रिलीज करता है, ऑक्सीजन कहाँ पर, एयर में रिलीज करता है, मतलब कि कोई ऐसा अभिक्रिया बताएं जो, या फिर प्रोसेस बताएं जिसके द्वारा ऑक्सीजन जो है वायु एयर में, हवा में छोड़ता है। ठीक है, तो यह होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का सही आंसर होगा। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, आप लोग को पता होगा बच्चे से ही पढ़ते आएंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो क्या होता है कि जड़ से पानी लेता है और सूर्य से रोशनी लेता है, और पत्ती से क्या लेता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं उसके द्वारा लेता है। ठीक है, और बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जगह से निकलता है उसके द्वारा लेता है, और यह अपना अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया को करता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को यह अभिक्रिया होती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आपका ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है यहाँ पर, और इस सूर्य से जो है सोलर एनर्जी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है, कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और यहाँ पर H2O जल होता है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है
लेता है, ठीक है, और तीनों मिलकर के यूवी रेज लेता है, ठीक है, और तीनों मिलकर के क्या होता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया करता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके जो है देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस यह मुक्त करता है, कहाँ पर, तो वायुमंडल यानी कि एयर में मुक्त करता है, ठीक है, और यह क्या बना देता है, ग्लूकोज भी बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया। तो आप लोग को याद रख लेना है कि जब भी कोई फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या अभिक्रिया करती है, तो सूर्य का प्रकाश और मतलब यूवी रेज और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया होती है, और निकलता क्या है, तो ग्लूकोज निकलता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, या ऑक्सीजन एयर में जाके मिल जाता है। तो और ग्लूकोज का सूत्र भी आप लोग को याद रखना है कि C6H22 और O6 होता है इसका सूत्र, ठीक है, C6H12O6 इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपना जो है भोजन प्राप्त बनाता है कौन, तो अपना भोजन बनाता है कोई भी पादप अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग को इतना चीज़ इसके बारे में याद रखना है, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है, तो इसका सीधा सीधी आंसर रख लेना है कि कबूतर एक ऐसा जंतु होता है जो जिसका खून जो होता है गर्म होता है, कैसा होता है, गर्म खून होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, बाहरी कोष का मतलब समझ ही रहे होंगे, बाहरी कक्षा, जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कोई भी तत्व को जो है उसका जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको जो है इस तरह से कक्षा बना हुआ रहता है और उसमें रखते हैं, पहला को बोलते हैं K, दूसरा को बोलते हैं L, तीसरा को M, चौथा को N, और इस तरह से बढ़ता रहता है, और कक्षा निकालने का किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है यह भी बताता है। तो पहले कक्षा में जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, दूसरे कक्षा में आपका जो है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, दूसरे कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में आपका 18 इलेक्ट्रॉन होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा हूँ मैं, पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 18, ठीक है, और आपका यह किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है आप कैसे निकालिएगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2n2, ठीक है, 2n2 के थ्रू आप निकाल सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने की यह जो है फॉर्मूला आता है, मान लीजिए आप पहला कक्षा में देखना चाहते हैं तो n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर गुना 2 कितना आ जाएगा, 2, तो पहला कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 आएगी, दूसरा कक्षा में कितना आएगा देख लीजिए, एन के स्थान पर 2 रखना है, 2 × 4 × 8 हो जाएगा, तो अधिकतर 8 आएगा, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, आवर्त सारणी के कौन सा ऐसा समूह है जिसके तत्व जो है का बाहरी कोष जो होता है पूर्ण होता है, तो इसका जो होता है आंसर गाइज 18वें ग्रुप का जो तत्व होता है, ठीक है, एक आवर्त सारणी में 18वें ग्रुप का जो तत्व होता है, 18वें ग्रुप जो लास्ट में एकदम होता है वह ग्रुप, ठीक है, उसका जो यह जो होता है अक्रिय गैस का ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि किसी भी चीज़ से क्रिया नहीं करता है, ठीक है, अक्रिय होता है, जैसे कि आपका हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ठीक है, क्रिप्टन हो जाएगा, ठीक है, ये सब जो है आपका आवर्त सारणी में आता है लास्ट ग्रुप 18वां ग्रुप में, जिसमें हीलियम का जैसे कि 2 होता है इसका एटॉमिक नंबर, नियॉन का कितना होता है 8 होता है, और नियॉन का 10 होता है, और आर्गन का कितना होता है 18 होता है, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्रिप्टन का होता है 36 होता है, ठीक है, तो इस तरह इसका जो होती है परमाणु संख्या होती है। अब देखिए परमाणु संख्या मान लीजिए नियॉन है, इसका 10 होती है परमाणु संख्या, तो इसको कैसे हम लोग सजाएंगे, ठीक है, कक्षा में, तो देखिए इसका 2 अधिकतम हो सकता है, क्योंकि पहला कक्षा में इसमें 10 जब परमाणु संख्या है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है जो कि कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है कक्षा में, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 हो गया, दूसरा कक्षा में कितना मैक्सिमम आता है 8, तो यहाँ पर 8 बचा है, तो दोनों कक्षा पूरा फुलफिल हो जाता है, तो बाहरी कोष पूर्ण रूप से क्या होता है भर जाता है, ठीक है, 18वां ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं, आप लोग को सीधा याद रखना है कि 18वां ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं 18वें वर्ग के तत्व का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालते हैं, मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका बाहरी कोष जो होता है पूर्ण रहता है, मतलब कि फुल रहता है पूरा, ठीक है, पूरा पूर्ण इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसलिए 18वां ग्रुप इसका सही आंसर होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जनरली द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का वैलेंसी क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग को जानना इसका आंसर बहुत ही आवश्यक है, और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोग समझ पाइएगा। मान लीजिए आपका सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब किस परमाणु संख्या कितना होता है 11, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2, उसके बाद 8, उसके बाद लास्ट में कितना बच जाएगा, पहला कक्षा में 2 आएगा, दूसरा कक्षा में 8,
और लास्ट में बच जाएगा तीन, ठीक है, सॉरी एक बचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक हो गया, इसका लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो यह क्या करेगा, किसी भी, आप लोग को पता होना चाहिए, किसी भी तत्व जो होती है वह अपना अष्टक को पूरा करना चाहती है, ठीक है, अपना अष्टक को पूरा चुकाना चाहती है, ठीक है, क्योंकि न्यूलैंड ने एक अष्टक का नियम दिया था, उसके अनुसार से जो है कोई भी तत्व अपना जो है अष्टक को पूरा करना चाहती है। तो इसका जो है आठ लास्ट यहाँ पर है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ रहा है, तो क्या करेगा, यह सात इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा तब इसका आठ इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में पूरा होगा, या फिर यह क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देगा तो यह इसका कक्षा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यह आठ सात इलेक्ट्रॉन को न लेकर क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन को देने में आसानी होगा, तो यह दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को त्याग कर देता है दूसरे तत्व को, वह जो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है, वह तत्व क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, यानी कि Na के ऊपर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर चुका है, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव होगा। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी तत्व में अगर अंतिम में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे 2-8 है, तो अंतिम में यहाँ पर जो अगर एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो, ठीक है, तो यह इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाता है। क्यों, क्योंकि यह 5 इलेक्ट्रॉन को ना लेकर यह 3 इलेक्ट्रॉन को इसको देने में आसानी होगा, जब यह 3 इलेक्ट्रॉन को दे देगा कोई दूसरा तत्व को तो यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। या इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा, 3 एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा, मतलब कि वह कौन सा तत्व कहलाएगा, धनात्मक तत्व कहलाएगा, ठीक है। वैलेंसी मतलब संयोजकता होती है, ठीक है, और उसका जैसे कि 2-8 और 1 बताएं तो इसका लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को उसका संयोजकता बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है, और यह जो दे देता है जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे को उसको इसकी संयोजकता बोलते हैं, ठीक है। एक दे से दे दिया जिसको इसकी संयोजकता कितनी होगी, एक हो गई, ठीक है, और यह जो होती है लास्ट कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग का जो है 1, 2, 3 इसलिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे ही आप मान लीजिए 4, 5, 6 में जाते हैं, ठीक है, तो 4 एक ऐसा तत्व है, 4 जिसका अगर लास्ट में कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बचता है तो यह धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करता है, यानी कि मेटलॉइड्स की तरह कार्य करता है, ठीक है, यह दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो यह धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करता है, जैसे कार्बन, ठीक है। लेकिन अगर 5, 6, 7 किसी का लास्ट में बच रहा है तो यह 5 इलेक्ट्रॉन न दे करके क्या करेगा, यह 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, तो जब ले लेगा तो यह हो जाता है वो तत्व क्या हो जाता है, विद्युत ऋणात्मक। तो यह चीज़ आपको याद रखना है, किसी भी तत्व के अगर लास्ट कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व जो है क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा, इलेक्ट्रो धनात्मक, विद्युत धनात्मक तत्व कहलाएगा। और अगर उसका कक्षा में अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन या 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वह जो है क्या कहलाएगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है, बताइए कि कौन सा जानवर है। पराध्वनि का मतलब आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो पराध्वनि कौन सा जानवर उत्पन्न करता है, तो आप लोग को सीधा सीधे यहाँ पर याद रखना है, पॉर्पोइसेस, एक पॉर्पोइसेस नामक एक जानवर होता है, पॉर्पोइसेस नामक एक जानवर होता है जो पराध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, पराध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो आप लोग को याद रखना है इसको कि ध्वनि की गति हमेशा ठोस के माध्यम में अधिक होती है, किसमें, ठोस में ध्वनि की गति हमेशा अधिक होती है, और इसमें भी किसमें, तो स्टील में, ठीक है, कौन सी, माइल्ड स्टील में जो होती है सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है, ठीक है, ध्वनि की गति किसमें सबसे ज़्यादा, स्टील से होकर सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा स्पीड स्टील में, ठीक है, तो स्टील भी एक ठोस है, तो ठोस से होकर सबसे ज़्यादा ध्वनि गुजरता है, इसका भी कारण है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि कारण क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए, तो साउंड चैप्टर से भी जान लीजिए क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड टेम्परेचर, सबसे पहला नंबर, तो साउंड जो होता है वह मीडियम पर डिपेंड करता है, तो हम लोग जैसे अभी बता चुके हैं कि सॉलिड से होकर ठोस पदार्थ से होकर जाएगा सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करेगा, और थोड़ा लिक्विड हो जाए तो वो उससे थोड़ा कम ध्वनि उत्पन्न करेगा, और अगर गैस हो जाए तो वो सबसे कम ध्वनि किसमें उत्पन्न करता है, गैस में, और यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता जाए तो ध्वनि की जो होती है बढ़ता जाएगा, ठीक है, ध्वनि की चाल भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ध्वनि की चाल भी, इसका कारण है क्यों हम बता देते हैं, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू द सॉलिड देन द लिक्विड, सॉलिड से होकर ज़्यादा और देन द गैसेस, ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड का चाल होती है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होता है यानी कि कण जो होता है, ठीक है, कण जो होता है, पार्टिकल जो होता है, यह बहुत क्लोज रहता है, बहुत सटा सटा रहता है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है,
जिस वजह से क्या होता है, जैसे ही साउंड इसमें टकराता है यह तुरंत वापस लौट जाता है, ठीक है, और यह पार नहीं होने देता है, पूरे साउंड को यह क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट कर देता है तो साउंड हम लोग को ज़्यादा सुनाई पड़ता है। इसका डेंसिटी थोड़ा कम है, इसका मतलब कि जो है क्या, आपका एलिमेंट दूर दूर में है, तो इससे होकर क्या होता है, ध्वनि कम निकलती है। क्यों? क्योंकि इससे होकर कुछ ध्वनि पार हो जाती है, इससे होकर और ध्वनि पार हो जाती है, इससे होकर और कम ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा, सॉलिड में ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करती है, गैस में उससे कम, और गैस में सबसे कम, और लिक्विड में उससे भी कम। और अगर देखें तो यहाँ पर डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा उसका ध्वनि उसमें सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगा, जिसका डेंसिटी थोड़ा कम होगा उसमें ध्वनि सबसे कम, उसमें थोड़ा सा कम होगा, और जिसमें सबसे कम होगा डेंसिटी उसका ध्वनि सबसे कम होगा, ठीक है। और ध्वनि जो है कभी भी निर्वात में यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कैरिंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट, ठीक है। तो 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, 2 पॉइंट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 2 पॉइंट है, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 18 वोल्ट का दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट का दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि वोल्टेज आपको दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू 4 कूलम्ब दिया हुआ है, ठीक है। तो जूल निकालने बोल रहा है यहाँ पर, देखिए आंसर जूल में, वर्क निकालने बोल रहा है, वर्क, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब किसी वायर से होकर जब क्या होती है, करंट गुजरता है, इलेक्ट्रिसिटी गुजरता है, तो रेजिस्टेंस के कारण उसमें क्या होती है, मतलब कि हीट उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, हीट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और हीट उत्पन्न होती है मतलब कि वहाँ पर कुछ का हीट का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ऊर्जा यहाँ पर कुछ वर्क डन होता है इसीलिए हीट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। टी बराबर होता है समय, कितने समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रहा है, और आई स्क्वायर बराबर यहाँ पर आई बराबर करंट और आर बराबर प्रतिरोध होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को एकदम याद रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हर एक शिफ्ट में इससे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इससे अब कितना सारा फॉर्मूला निकलेगा, आप लोग को यहाँ पर तो क्यू का मान नहीं, क्यू का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपका भी का भी फॉर्मूला नहीं दिया है। तो भी और क्यू यहाँ से कैसे निकालिएगा और कैसे आप लोग इसको निकालिएगा, ठीक है, इसका आंसर। तो देखिए क्या होता है, आई भी बराबर होता है आई आर, एक फॉर्मूला ये भी आप लोग को याद रखना है। वोल्टेज बराबर क्या होता है, आपका धारा एवं प्रतिरोध गुना, धारा और प्रतिरोध का मल्टीपल होता है, ठीक है। भी बराबर होता है वोल्टेज। तो यहाँ पर देखिए आई इंटू आर, ठीक है, गुना फिर हम कर सकते हैं इधर आई इंटू टी, एक आई यहाँ पर ले लिए मैं और एक आई टी के साथ में ले लिया, तो आई आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, भी हो जाएगा, ठीक है। और आई टी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग जानते हैं क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है आई टी, क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई टी एक फॉर्मूला होता है। तो आप लोग सारे फॉर्मूले को याद रखिएगा कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। इस वजह से यहाँ पर एक फॉर्मूला और निकल के आ जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी, ठीक है, क्यू भी, क्योंकि हम लोग क्या क्या लिखे थे, आई स्क्वायर आर टी, तो आई आर का यहाँ पर वैल्यू दे दिए क्यू, और आई टी का वैल्यू हो गया भी, तो क्यू भी हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जूल जो है आसानी से जो है इसका वर्क डन जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा भी कितना हो जाएगा 18, और क्यू कितना है 4 कूलम्ब, तो कितना हो जाएगा 18 को 4 से गुना करेंगे 72 जूल इसका कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। आप लोग को समझ में आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा गाइज, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग को थोड़ी जो है समझना होगा, इसी तरह से क्वेश्चन वहाँ पर आने वाली है, समझना होगा आपको, मैं प्रत्येक पॉइंट से आपको जो डिटेल्स में होगा वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोग को, बकाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को जो है अच्छे से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आप लोग भी अच्छे से कॉपरेट कीजिए, ठीक है। तो 72 जूल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये देखिए, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर करता है। तो देखिए सुचालक का प्रतिरोध, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला, तो मेनली फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। एक होता है प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला रो एल बाय ए, ठीक है, रो एल बाय ए, मतलब कि जब कोई एक मटेरियल पदार्थ से होकर, ठीक है, धारा को गुजरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कराते हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला निकलता है, उसका प्रतिरोध जो हो जाएगा, प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा, रो एल इंटू ए, मतलब इसका डेंसिटी कितना है और इसका लेंथ कितना है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, को बतलाता है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या बतलाता है, उसका घनत्व को उस पदार्थ की, और आर जो एल जो उसका लेंथ कितनी लंबाई है उस पदार्थ की, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उसके बीच एक रिलेशन बतलाता है, प्रतिरोध उसी हिसाब से निर्माण होता है, रो इंटू एल बाय ए,
इसको जो होता है रो को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, सॉरी गाइज यहाँ पर डेंसिटी नहीं बोलते हैं, इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता उसकी कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तीन चीज़ पर निर्भर करता है प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, लंबाई, ठीक है। यहाँ पर पूछा है किस पर निर्भर नहीं करती है, तो नहीं करती है लंबाई पर, तो निर्भर करती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ पर भी निर्भर करती है, यहाँ पर उसकी प्रतिरोधकता पर, डेंसिटी पर निर्भर करती है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, यहाँ पर कुछ दे देंगे अगर कम बेसी कर देंगे, कम और ज़्यादा कर देंगे प्रतिरोधकता का मान में कम और ज़्यादा हो जाएगा, इस पर भी निर्भर करती है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कहीं पर निर्भर आ रहा है इस फॉर्मूले में, दाब तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब दाब पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने गाइज। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए अगर आप लोग को लग रहा हो कि मैं ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहा हूँ या फिर ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं ज़्यादा स्पीड पढ़ाऊँ या फिर ज़्यादा स्लो पढ़ाऊँ, ठीक है, या फिर मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ इसी तरह से पढ़ाते रहूँ, तो ये आप लोग को बतलाना है। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि मास का जो द्रव्यमान है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है उसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एच, और ऑक्सीजन क्या होता है, ओ, एच टू होता है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन क्या होता है, ओ टू। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मास इसका होता है 2, ठीक है, 2 है इसका द्रव्यमान संख्या जो होती है, परमाणु एक होती है, परमाणु संख्या एक होती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती। हाइड्रोजन में अगर पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता, आप लोग को याद रखना है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है NTPC में, NTPC बोलते हैं, JEE में अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, लोको पायलट में पूछा गया था, ग्रुप D में पूछा गया है, तो आप लोग से हो सकता है आपका सीट में आ जाए। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है आपका एक ऐसा तत्व है हाइड्रोजन उसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रोटॉन होती थी, एक प्रोटॉन होती है, यहाँ H2 की बात हो रही थी, एक को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन का जो है द्रव्यमान संख्या होती है 8, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगी 16, तो 2 को 16 डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:8, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया है, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ प्लांट ऑफ ए प्लांट बॉडी डेवलप इट्स न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो बतलाना है कि रिप्रोडक्शन पुनरुत्पादन, ठीक है, पुनरुत्पादन का कोई भी प्लांट बॉडी का, ठीक है, कौन सा पार्ट जिसमें कि पुनरुत्पादन का एक प्रकार है, ठीक है, जो डेवलप करता है न्यू इंडिविजुअल को, तो वह हो जाएगा गाइस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसका आंसर क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होती है। तो देखिए सबसे पहले धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडा आप लोग देखेंगे घर में जो कपड़ा खींचने में जो प्रयोग करते हैं जिस सोडा का, उसको बोलते हैं हम लोग धावन सोडा। और इसका आपको याद रखना है कि धावन सोडा के बारे में आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं सारे इसमें आपको बतला देता हूँ सारे क्वेश्चन। धावन सोडा जो होता है एक धोने का, कपड़ा धोने का सोडा होता है, ठीक है, तो कपड़ा धोने के लिए बोलेगा कौन सोडा का प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा, ठीक है। इसका अधिकतर सूत्र पूछा जाता है, तो सूत्र इसका होता है Na2CO3, और या फिर पूछ लिया जाएगा तो धावन सोडा का दूसरा नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, जिसका नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। और इसमें अगर हम, ठीक है, Tn H2O लगा दें, ठीक है, Tn H2O जल का 10 अणु लगा दे तो इसको ही बोला जाता है धावन सोडा, और इसीलिए यहाँ पर पूछा गया इसमें पानी का कितना अणु रहता है, तो 10 अणु रहता है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर B क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग को याद रखना है धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 होता है, और 10 अणु लगा देंगे तो धावन सोडा कहलाएगा, ठीक है, Na2CO3 × 10H2O, इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो गाइस पहला शिफ्ट का क्वेश्चन जो था आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, पहला शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब जो है आपके सामने आ रहा है आपका दूसरा शिफ्ट, जो 12 बजे से 12:30 बजे, ठीक है, दूसरा शिफ्ट, यानी कि पहला शिफ्ट जो हुआ था 17 सितंबर को, ठीक है, 17/9/2018 को CEN 2018 का, वह ख़त्म हो गया है। अब आ रहा है आपका दूसरा शिफ्ट 12:30 से 2:30 बजे तक में जो एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें जो जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस शिफ्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए होंगे। और गाइज आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, गाइज ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा इस चैनल से। तो चलिए देखते हैं इस शिफ्ट में अब कैसा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे।
पूछा गया है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। तो बतलाइए कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो गाइस आप लोग को पतला होना चाहिए कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आपका जो है मछलियों के हृदय में जो होती है, ठीक है, दो कक्ष होती है। कितने कक्ष होती है? दो कक्ष होती है। दो कक्ष होती है मछलियों के हृदय में। एक से वो सांस लेता है, दूसरे से छोड़ता है, तो दो कक्ष होती है। इतना आपको याद रखना है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होती है? दो कक्ष होती है, ठीक है। और जो है मनुष्य के कितने हृदय कितने कक्ष होती है? चार कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में, चार कक्ष। अगर पूछ ले जाए कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होती है, तो तीन कक्ष, तीन चैम्बर होता है, ठीक है। तो आप लोग ये जो सिंपल सिंपल था जो अधिकतर पूछे जाते हैं वो मैं बता दिया। मेढक के हृदय में तीन कक्ष, मनुष्य के हृदय में चार कक्ष, और मछलियों के हृदय में दो कक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ गया है कि किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। मतलब कि समस्थानिक का जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान उसका भार दिया हुआ है 298, और इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 189। तो परमाणु संख्या कितनी होगी आप लोग को ये बतलाना है। बहुत ही धांसू और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग को बतलाना है, ठीक है। देखिए कोई भी तत्व जो होती है ना, उसके नाभिक में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, सॉरी गाइज यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ। कोई भी तत्व होती है उसके नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होती है इसके कक्षा के चारों ओर क्या करती है? घूमती है। चारों ओर क्या करती है? घूमती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी कक्षा में घूमती है। आप लोग को ये भी याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, मतलब कि कक्ष में कहाँ पर होता है। तो वह इलेक्ट्रॉन जो थी कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला करके ही इसको बोला जाता है परमाणु भार। क्या बोला जाता है? कोई भी तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है आपको कितना, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। द्रव्यमान संख्या यही ना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अभी मैं बता चुका हूँ कितना दिया हुआ है, 298 दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भी दे दिया हुआ है 189। तो पी प्लस 189 करते हैं तो बराबर कितना होगा? 298। अब पी निकालते हैं, 298 में 189 को घटा देंगे, तो जब पी हम निकालेंगे तो क्या होगा? 298 माइनस क्या हो जाएगा? 189। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 109 इसका हो जाएगा, क्या इसका 109 कितना हो, क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या, यानी कि प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटोनों की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं, तो परमाणु संख्या या प्रोटोनों की संख्या एक ही होता है, और इसका जो आया मान 109 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ समस्थानिक, तो याद आपको याद रखना है कि समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर होता है। दो चीज़ होता है, एक समस्थानिक एक समभारिक। तो समस्थानिक में क्या होता है? समस्थानिक में परमाणु संख्या जो होती है या फिर प्रोटोनों की संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या समान होती है। कैसा होती है? समान। और द्रव्यमान संख्या इसमें क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। परमाणु संख्या द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए हाइड्रोजन का 1H1 करते हैं हम लोग, 1H2 करते हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, 1H3 बोलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिसमें कि तीनों में परमाणु संख्या क्या है? समान है। तो इस तरह से समस्थानिक होता है। और संभारिक क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, ठीक है, उसको बोलते हैं संभारिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका, सॉरी गाइस लेंस बनाने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और छूट रहा है मेरे अंदाज से। यहाँ देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि एथेन, ठीक है, एथेन के विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है। एथेन का पहला नंबर फॉर्मूला देखिए, एल्केन से बना है एल्केन, एथेन, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्केन का सूत्र होता है, ठीक है। आप लोग से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्केन का सूत्र क्या होगा, तो CnH2n+2 आप लोग को बतला देना है। अगर पूछे एल्कीन का सूत्र क्या होता है, यह पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है, तो इसका यहाँ पर एन लिखना भूल गया मैं, और यहाँ पर भी एन होगा, ठीक है। अगर पूछे एल्कीन का सूत्र क्या होगा, तो इसका होता है CnH2n, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। और पूछ ले एल्काइन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2। तो आप लोग को तीनों याद रखना है, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो यहाँ पर एथेन जो पूछा है वो एल्कीन से ही आता है। अगर एल्केन से ही आता है, एल्केन में अगर दो कार्बन लगा दें तो एथेन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि CnH2n+2 फॉर्मूला था, तो यहाँ पर C2 रख देते हैं, H के स्थान पर 2 रख देते हैं, N के स्थान पर 2 यहाँ पर गुना कर देते हैं, और +2, ठीक है,
तो C2H6 हो जाएगा एल्केन का सूत्र। तो देखिए यहाँ पर सीधा देखना है, क्रॉस डॉट उतना हम लोग को नहीं देखना है कि कार्बन दो और हाइड्रोजन सिक्स कहाँ पर है, उसका आंसर वही होगा। तो देखिए इसमें तो दो एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, ये आंसर नहीं होगा आपका। इसमें दो कार्बन है चार हाइड्रोजन है, ये भी आंसर नहीं होगा आपका। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपका, देखिए दो कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये आंसर आपका दिया हुआ है रेलवे के द्वारा, लेकिन मैं बता दूं कि दो कार्बन और कितना होगा, आप लोग फार्मूला के द्वारा देखे भी निकला छः हाइड्रोजन, ठीक है इसका फार्मूला होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो कार्बन और छः हाइड्रोजन, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फोर होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर फोर होगा। दरअसल ये रेलवे के द्वारा गड़बड़ी हो गया है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ी हो गया, और जो है आपका इस क्वेश्चन का जो है बच्चे क्या होगा ऑब्जेक्शन भी किया होगा, और बाद में रेलवे इसका सुधार करके दिया होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चार इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है, तो बता देता हूँ गाइज कि लेंस बनाने के लिए कांच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। कौन सा, फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं लेंस बनाने के लिए। कैमरा में जो कांच का प्रयोग किया जाता है उसके लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें पानी की भी आवश्यकता होती है और प्लास्टिक की भी आवश्यकता होती है, लेकिन कांच बनाने में मिट्टी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर मिट्टी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है धातुओं के किस गुण के कारण, ठीक है धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है, यानी कि फॉयल बनाने में आसानी होती है। और सीधी बात मैं करूँ तो इसकी चादर बनाने में आसानी होती है, ठीक है। कौन सा ऐसा गुण है धातु का जिसके कारण उसके चादर बनाने में आसानी होती है। आप लोगों को पता है सोने को हम जो है, एक सोना है तो इसको ठोक ठोक के हैमरिंग करके, यानी कि हथौड़े से ठोक ठोक के इसको एकदम पतली से पतली चादर के रूप में ढाल सकते हैं। क्यों, इसमें कौन सा गुण होता है जिसको चादर के रूप में ढाल सकते हैं, तो उसकी एक गुण होता है आघात वर्धनीयता, ठीक है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैलेबिलिटी। उसके कारण क्या होता है, जो होती है सोने की जो पत्तल होती है उसको चादर के रूप में बनाया जाता है। और एक होती है तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, तो यह क्या होती है, कोई भी जो होती है धातु उसको एक पतले वायर में यानी कि स्मॉल क्रॉस सेक्शन के एरिया में इसको खींच सकते हैं, ठीक है तो वह होता है उसकी तन्यता का गुण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आघात वर्धनीयता, इसको जिसकी सहायता से हम कोई भी धातु को पतली चादर के रूप में या फिर फॉयल या फिर पत्तल के रूप में आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। फिर एक न्यूमेरिकल आया है और न्यूमेरिकल आपका घूम फिर के वही सब फॉर्मूला से आएगा, ठीक है ऊर्जा से अधिकतर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी, कितना वाट होगा, ठीक है वाट में ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है, वाट होगा। कार्य का ऐसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। आप लोग पढ़े होंगे ऊर्जा यानी कि वाट में आंसर दिया, इसका मतलब शक्ति के बारे में बात कर रहा है, उसका शक्ति कितना है, तो शक्ति या फिर ऊर्जा, ठीक है शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं, बहुत पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W/T, और W क्या होता है वर्क, और T क्या होता है समय। तो वर्क कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है यहाँ पर आपका 2 सेकंड दिया हुआ था, अगर इसको डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 500 वाट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गाइज आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर दिया है आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं। पहले आपको इसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिला था कि 18 कौन सा समूह के तत्व जो होती है, सभी तत्व जो होती है उसका जो होती है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि कक्षा में फुलफिल पूर्ण रूप से कक्षा में फिल किया हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है, इलेक्ट्रॉन जो होती है पूर्ण रूप से उसकी कोषों में भरा हुआ रहता है, कक्षा में भरा हुआ रहता है, तो वो 18वां ग्रुप के समूह का तत्व था, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 18वें समूह के में कितने तत्व मौजूद है, तो देखिए 18वें समूह में टोटल जो तत्व होते हैं वह होती है आपका 18वें समूह में टोटल कितने तत्व होती है, तो 18वें समूह में टोटल 7 तत्व होता है, ठीक है 7 तत्व होती है। देखिए जैसे कि आपका पहला होती है, आप लोग को मैं यहाँ पर एक और सारणी में दिखा दूंगा, ठीक है यहाँ पर, लेकिन रेलवे द्वारा क्या दिया गया है 2, 4, 5, 6, तो ऑप्शन में एक भी ऑप्शन में 7 नहीं है, जिसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया कर दिया गया है, डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड यहाँ पर लिख दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो है गलत पाया गया है इसका ऑप्शन, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया है इग्नोर्ड कर दिया गया है, ठीक है। और इस क्योंकि इसका आंसर यहाँ पर 7 होता ऑप्शन में जो कि नहीं है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 18वें ग्रुप का जो तत्व है उसमें कितने आपका जो है तत्व है 18वें ग्रुप में, तो यहाँ पर देखिए 18वें ग्रुप जो है ये लास्ट वाला ग्रुप है 18वां,
और देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कि 18वें ग्रुप में जो है कितने तत्व हैं गाइज, तो 18वें ग्रुप में आपका जो है 7 तत्व है। देखिए लास्ट वाला जो ग्रुप है यहाँ पर एक तत्व ऊपर में आपका हीलियम हो गया, दूसरा तत्व नियोन, तीसरा हो गया आर्गन, चौथा क्रिप्टन, चौथा जीन, पाँचवा जीनॉन, छठा रेडॉन और यू एक होता है यूनियन, कुछ इस तरह से ये 7 तत्व होता है। तो इसीलिए यहाँ पर उसका आंसर गलत दे दिया गया था। रेडॉन ये यहाँ पर जो गैस दिया हुआ है गाइज, एक ऐसा अक्रिय गैस है जो यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यह जो है कहाँ पाया जाता है, यह जमीन के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। और यह सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है यह गैस, तो यह इंडोर में सबसे ज़्यादा निकलता है, इंडोर में सबसे ज़्यादा यह गैस निकलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर दिया है धात्विक की विद्युत प्रतिरोधकता की सही क्रम चुनिए, ठीक है, कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा किस में होती है, उसके बाद सबसे कम किस में होती है, सबसे उसके बाद कम किस में होती है, तो उसके बाद कितने। देखिए तो पारा क्या होती है, पारा आप लोग को पता होगा कि द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है। पारा -39 डिग्री तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अगर हीट डेवलप हो जाएगा तो क्या होता है, या द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, एकदम कम होगी, ठीक है। यह हीट एकदम से कम डेवलप करेगी, तो यहाँ पर पारा हो गया। उसके बाद किसकी होती है, टंगस्टन का तो सबसे ज़्यादा होता है, और चांदी का तो और ज़्यादा होता है, मतलब कि प्रतिरोधकता यानी कि ताप सहन करने की शक्ति, तो ताप जो जितना सहन कर सकता है उसकी प्रतिरोधकता उतना ही अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद निकेल का हो जाएगा प्रतिरोधकता सबसे कम, उसके बाद हो जाएगा टंगस्टन का प्रतिरोधकता सबसे कम, उसके बाद जो होती है आर्गन का हो जाएगा प्रतिरोधकता सबसे कम, ठीक है। सॉरी गाइज, मैं यहाँ पर ताप के लेकर के बता दिया, यहाँ पर जो होगा क्या होगा, विद्युत प्रतिरोधकता का बात कर रहा है, ठीक है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या होगा, तो पारा, उसके बाद निकेल, उसके बाद टंगस्टन, उसके बाद सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं, ये जो है एकदम सही क्रम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता किसकी होती है, पारा की, उसके बाद सबसे कम किसकी होती है, निकेल की, उसके बाद टंगस्टन की, उसके बाद सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। तो सिल्वर को ही चांदी बोलते हैं गाइज, ठीक है। और यह विद्युत और ताप दोनों का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, ठीक है। और टंगस्टन जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं बल्ब में प्रयोग करते हैं, ठीक है, या इसका प्रयोग जो है बल्ब में पूछा जाता है कभी कि बल्ब के तंतु जो होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, करीबन 3500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को यह सहन कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आ गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलिनियम और ब्रोमीन में परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है, ठीक है, डैश कक्षाएं होती है, ठीक है। तो देखिए जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलिनियम और ब्रोमीन ये सारे जो होती है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्ध धातु जिसको बोलते हैं, या आधा धातु और आधा अधातु की तरह काम करता है इसको, यानी कि हम लोग मेटालॉयड्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी में बोले तो अर्धधातु या फिर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यह जो होता है क्या होती है, इसकी जो होती है परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है, 4 कक्षाएं होती है। इसको याद रखना है कि जो सेमीकंडक्टर या मेटलॉयड होती है उसके परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती है, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर सही, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, मतलब एक कौन सा परमाणु है, कौन सा ऐसा परमाणु है जिसका उप परमाणु कण नहीं होता है। तो एक जीनॉन एक ऐसा तत्व है, ठीक है, जिसका उप परमाणु नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। देखिए एक्चुअली में हम लोग क्या बोले थे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, घूम फिर के क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। आप लोग को जो है अच्छे से सब चीज़ इसीलिए कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ सब चीज़ को नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन और मैं जितना शिफ्ट कराऊंगा सारे यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सारे शिफ्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं सारे क्वेश्चन को आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है और इसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। तो देखिए परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल, यहाँ पर जब ये दो है तत्व प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर बल आरोपित करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर बल आरोपित करेगा। तो यहाँ पर पूछा गया न्यूट्रॉन द्वारा जो प्रोटॉन पर आरोपित किया गया बल है वह क्या कहलाएगा, यह नाभिक के अंदर है और नाभिक में एक बल आरोपित किया जा रहा है, तो इसको कौन सा बल बोलेंगे, नाभिकीय बल बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूट्रॉन द्वारा जो प्रोटॉन पर फोर्स लगाया जाता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया कि निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को
दर्शाता है, आरोही क्रम को बाएं से दाएं की ओर दर्शाता है। ठीक है, देखिए अपवर्तन अपवर्तक सूचकांक जो होता है, पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के आधार पर जो होता है कौन सा सही क्रम दोहराता है, मतलब आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में दर्शाता है कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के, ठीक है, एक निश्चित कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम में बताता है, यानी बढ़ते क्रम में बताता है। तो देखिए अपवर्तक सूचकांक सबसे बेहतर बढ़ते क्रम में जाता है, सबसे कम होता है बर्फ का अपवर्तक सूचकांक, उसके बाद केरोसिन का, उसके बाद बेंजीन का, उसके बाद नमक का सबसे ज़्यादा अपवर्तक सूचकांक होता है। ठीक है, तो यह जो है इसका एक सही क्रम है। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो किसका नमक का आपको याद रखना है, सेंधा नमक का सबसे ज़्यादा होता है अपवर्तक सूचकांक और बर्फ का सबसे कम होता है, तो बर्फ उसके बाद केरोसिन उसके बाद बेंजीन उसके बाद सेंधा नमक, तो यह इसका सही क्रम है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। देखिए सेम यही क्वेश्चन जो है आपका पिछला शिफ्ट में आया हुआ था, यानी कि शिफ्ट 1 में आया था, 17 तारीख का पहला शिफ्ट में आया था। ठीक है, और यही क्वेश्चन शिफ्ट 2 में भी दिया हुआ है। ठीक है, कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम होता है। तो मैं यह बता रहा था जैसे कि रिपीट होता है, तो रेलवे बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है और एक शिफ्ट का क्वेश्चन का एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार पाँच क्वेश्चन, कम से कम पाँच क्वेश्चन तक दूसरे शिफ्ट में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो होता है जिसके विलयन का पीएच मान 7 से कम होता था, हम बताए थे कि अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl होता है और जब इसमें हम लोग जल मिला देते हैं तो क्या होता है, एक HCl नामक एक अम्ल बना देता है, तो जिसका पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड इसलिए क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसमें ज़्यादा समय ना लेते हैं क्योंकि इसको हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। ठीक है, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है, देखिए यह सब जो होता है ना, एक रूट रूट जो होता है जड़, उसका टाइप है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको डिटेल्स में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, परमानेंट टिशू, ठीक है, द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिशू। देखिए उत्तक, तो प्लांट का कुछ उत्तक का जो है भाग है, ठीक है, टाइप्स है, तीन प्रकार का टिशू होता है, ठीक है, उत्तक होता है, एक होता है पेरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो पेरेनकाइमा क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग को दिया भी गया है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा टिशू और स्क्लेरेनकाइमा टिशू। तो पेरेनकाइमा टिशू का उत्तक जो होता है, ठीक है, इसका उत्तक का जो सेल वाल होता है, या सेल वाल इसका थोड़ा पतला पतला होता है, ठीक है, दूर दूर में होता है, गैप में। कोलेनकाइमा का सेल वाल और दूर दूर में होता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, इसका जो होता है सेल वाल बहुत क्लोज क्लोज होता है, ठीक है, और इसलिए जो होता है रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता प्रदान करता है कोई भी पौधे को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट में जो होता है आपका क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, और यह जो होती है दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि जो होती है मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक है कोलेनकाइमा, यह क्या प्रोवाइड करता है, तो आप लोग कोलेनकाइमा को भी जान लीजिए, आगे पूछा जाएगा कि सपोर्ट ऑफ स्टीम एंड एडेप्ट देमसेल्फ टू रैपिड इलोंगेशन। तो कोलेनकाइमा क्या होता है, कोई भी पौधे को तेजी से बढ़ने के लिए जो होता है उसमें उपयोगी होता है, उपयोग करता है। ठीक है, कोलेनकाइमा का काम होता है तेजी से बढ़ाना, ठीक है, कोई भी भाग को उसका, और स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है, उसकी दृढ़ता प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना कोई भी पादप का। ठीक है, कोई प्लांट है उसका मजबूती प्रदान करना किसका काम होता है, स्क्लेरेनकाइमा का, उसके बढ़ाने का काम कौन करता है, कोलेनकाइमा। और एक है पेरेनकाइमा, तो पेरेनकाइमा का काम क्या होता है, ठीक है, पत्ते को बढ़ाने का काम क्या होता है तेजी से, तो कोलेनकाइमा का। और देखिए अब पेरेनकाइमा का काम क्या होता है, पेरेनकाइमा ऑन लीव्स फंक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए पेरेनकाइमा जो होती है फोटोसिंथेसिस जो होता है पत्ते में उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, तो पेरेनकाइमा जो होता है फोटोसिंथेसिस का काम कराता है पत्ते का। ठीक है, पत्ते का फोटोसिंथेसिस का काम कराता है। ठीक है, और जो होता है यह वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और कोलेनकाइमा क्या होता है, उसके पत्ते को वृद्धि करने में सहयोग करता है, स्क्लेरेनकाइमा मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो इससे आप लोग अब यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका क्या है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ता प्रदान करता है, हम लोग क्या बताए थे कि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है मजबूती प्रदान करता है, स्क्लेरेनकाइमा मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, कोलेनकाइमा क्या होता है, उसके पत्तियों को तेजी से बढ़ाता है, पेरेनकाइमा क्या होता है, उसकी जो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में योगदान भूमिका निभाता है। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम क्या क्या काम होता है गाइज,
आप लोग को इसको बारे में आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, देखिए तो किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर, ध्रुव कोई भी वस्तु का पॉल जो होता है ध्रुव, वहाँ पर सर्वाधिक भार होता है, ठीक है। ध्रुव पर क्या होता है, सर्वाधिक भार होता है किसी भी वस्तु का, ठीक है, और सेंटर पर सबसे कम जीरो भार होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, तो स्यूडो कॉलम की उपस्थिति, गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, तो यह तो इसकी जो होती है एक मत्स्य वर्ग की विशेषता होती है गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, हड्डी उपस्थित का अंतः कंकाल यह भी उसकी क्या होती है विशेषता होती है, सल का बही कंकाल तो उसमें कंकाल भी होता है और वह सांस लेना भी उसकी गलफड़ों के द्वारा एक विशेषता है, ठीक है। लेकिन स्यूडो कॉलम ये कोई उसकी उपस्थिति ये कोई उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। भ्रूण में अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसका आंसर जरा सा क्या है मिसिंग है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर छूट गया है कहीं से। तो यहाँ पर ऐसे आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मनुष्य में पाए जाने वाले, ठीक है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। तो गाइज मैं बता देता हूँ ऐसे आपका इसका क्या होना चाहिए आंसर। भ्रूण जो होता है ना, भ्रूण का प्लेसेंटा उत्तक का काम क्या होता है, भ्रूण मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति के गर्भ में जो बच्चे होते हैं छोटे उसको भ्रूण बोला जाता है, ठीक है, व्यक्ति के गर्भ में जो, ठीक है, नानू होते हैं उसके द्वारा जो वृद्धि होता है, तो वह जो होता है सबसे छोटी अवस्था उसकी जो होती है बच्चों की वह होती है भ्रूण कहलाता है, ठीक है, भ्रूण की अवस्था कहलाती है। तो भ्रूण में क्या होता है, प्लेसेंटा उत्तक का काम क्या करता है, प्लेसेंटा उत्तक जो होता है इसको पोषण प्रदान करता है, ठीक है, पोषण प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, पोषण, यानी कि पोषण मतलब खान पीन या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो अपशिष्ट होता है या बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो प्लेसेंटा उत्तक करता है, ये दो चीज़ का काम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न तालिका में 3 वर्षों में दो CO2 का उत्सर्जन मिलियन टन में दिया गया है। एक्चुअली ये मैथ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर CO2, 3 वर्ष में इसका बिक्री को दिया गया है, ठीक है, घरों में क्या दिया गया है, 3 मिलियन उत्सर्जन को दिया है। 2015 में 100 मिलियन टन उत्सर्जन हुआ, 2016 में इतना हुआ और 2017 में इतना, बता रहा है कि 2016 से 17 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 2016 में था 110 और 2017 में था 150, तो वृद्धि कितना आ गया 40, और कितना वृद्धि हुआ 110 में, 110 नीचे लिख लेना है और गुना कर देना है 100 से जितना परसेंट आएगा उसका आंसर वही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 36.36 का परसेंट आएगा, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रक्त में शर्करा, ठीक है, कि स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का जो पता चलता है, यानी कि ग्लूकोज जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर शुगर, ठीक है, के स्तर के वृद्धि का पता जो होता है कि कुछ कोशिकाओं के द्वारा चलता है, तो अग्नाशय के द्वारा चलता है, जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। आप लोग को पता होगा कि शुगर जो होता है वह जो होती है अग्नाशय को प्रभावित करता है, ठीक है, अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा पता चलता है कि शुगर रक्त में जो है शुगर हुआ है या शुगर के स्तर को स्तर में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और अग्नाशय से एक एंजाइम निकलता है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन नामक एक एंजाइम निकलता है, ये भी पता रखना है, क्योंकि इंसुलिन नामक एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। और जो इंसुलिन जो निकलती है, ठीक है, तो अग्नाशय जो इनसे जो इंसुलिन निकलती है, अगर उसकी मात्रा में कमी आ जाए, इंसुलिन की मात्रा में अगर कमी आ जाए, डिक्रीजेज हो जाए, ठीक है, तो क्या होती है, एक रोग हो जाता है जिसको मधुमेह रोग बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो आप लोग का कभी कभी क्वेश्चन क्या, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है इंसुलिन से, कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर मधुमेह रोग होता है तो मधुमेह रोग, या फिर पूछ लिया जाएगा मधुमेह रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से, या फिर पूछा जाएगा इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से, तो अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। रक्त में शर्करा स्तर की वृद्धि या कमी को किससे पता चलता है, अग्नाशय से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पर एक जो होता है कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन एक एलॉय होता है जो किस किस धातुओं से मिलकर के बनाया, तो कॉपर और निकेल, ठीक है, कॉपर और निकेल से मिलकर के कॉन्स्टेंटन नामक एक धातु एक एलॉय बना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युतीय आवेश की मात्रा कितनी होगी, ठीक है, इसमें प्रवाहित विद्युतीय आवेश की मात्रा कितनी होगी, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ पर समय दिया हुआ है कितना, 6 मिनट,
ठीक है, और धारा कितना दिया हुआ है आपका 0.6 एम्पियर का, ठीक है। एक परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है और 6 मिनट तक प्रवाहित हो रही है और 0.6 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें आवेश की मात्रा जो होती है क्या जनरेट होगी। हम लोग अभी पहले ही बता चुके थे कि आवेश का एक फॉर्मूला आता है क्यू बराबर आई टी, ठीक है। क्यू बराबर क्या फॉर्मूला आता है, आई टी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लगा देंगे, आई का मान दिया है 0.6 एम्पियर और टी दिया है 6 मिनट, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 6 को 60 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जीरो यहाँ पर जो है पॉइंट को यहाँ पर हटा देगा, तो अगर यहाँ पर हटा देगा तो एक 6 यहाँ हो गया, एक 6 यहाँ हो गया और एक 6 यहाँ हो गया, और 6 का क्यूब करेंगे, गुना करेंगे तो 6 छाँगे 36, 216 आ जाएगा, तो 216 कूलम इसका सही आंसर होगा, दो नंबर, ठीक है। तो आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है क्यू बराबर आई टी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर लगाता है, तो कोई भी वस्तु को ऊपर उठाएंगे या फिर नीचे की ओर आएगा, ठीक है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और क्या बोलते हैं उसमें गुरुत्वीय त्वरण का लगता है, ठीक है। उसमें जो है कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, ठीक है। तो मास यहाँ पर दिया हुआ है आपका 20 किलोग्राम, कितना किलोग्राम, 20 किलोग्राम, ठीक है। और कितना ऊपर चलता है, तो h बराबर दिया हुआ है 2 मीटर चलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मास दिया हुआ है h 2 मीटर चलता है, आपका जो है मास दिया हुआ है 20 किलोग्राम, h दिया हुआ है 2 मीटर चलता है, और g का मान भी दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कार्य क्या होगा, कार्य जो हो जाएगा गाइज, ठीक है, कार्य जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसका कार्य, एक फॉर्मूला होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आपका जो होता है एम जी एच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मास, उसका एक्सेलरेशन और उसकी कितनी ऊंचाई तक उठाया, उसको अगर हम गुना कर देते हैं तो उसका कार्य पता चल जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर जो होता है कार्य बराबर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि आपका जो कार्य बराबर होता है एम जी एच होता है, आपको ये नोट कर लेना है। और एच होता है हाइट, एम होता है द्रव्यमान और जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तीनों का मान यहाँ पर दिया हुआ है, एम का मान दिया है 20 किलोग्राम, जी दिया हुआ है 10 और एच दिया हुआ है, और जी का मान अगर नहीं दिया आपको खुद से लेना है 9.8, क्योंकि इसका फिक्स मान होता है कांस्टेंट 9.8, और एच दिया हुआ है 2 मीटर, तो अगर इसको हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 20 × 200 और 200 को 2 से गुना करेंगे 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यित करता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। देखिए यह जड़त्व के नियम से यह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के पहले नियम से पता चलता है, ठीक है। तो यह जो है जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है, इसका आंसर ये 3 नंबर सही होगा। और यह जो होता है क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या बतलाता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था में है, ठीक है, रेस्ट में है या फिर गतिशील अवस्था में है, तो वह उस अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक है, उसी को जड़त्व का नियम करता है, मतलब कि वो बदलने नहीं देता है, अपना जो होती है उस अवस्था को पकड़ के रखता है, उसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। जिस वजह से कभी कपड़ा झाड़ते हैं तो गंदा बाहर निकल जाता है, क्या होती है कि कपड़ा अपनी अवस्था में बनाए, कपड़ा अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए दृढ़ रहती है, जबकि वहाँ पर जो होती है ऐसे ही झाड़ते हैं तो क्या होता है, उसी वजह से जब वो कपड़ा अपना दृढ़ अवस्था को बनाए रखना चाहती है तो धूल कण क्या होती है, झड़ जाती है, ठीक है, बाहर की ओर गिर जाती है। उसी प्रकार जब गाछ कोई पेड़ को हिलाते हैं तो डाल जो होती है अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है रेस्ट को, जिस वजह से पत्ती क्या होती है नीचे झड़ जाती है, ठीक है, नीचे की ओर गिर जाती है झड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ग्लास होता है, ये दसमा का जो है क्रियाकलाप है, ठीक है, दसमा का 10th का क्वेश्चन यह है, एक क्रियाकलाप, ठीक है, एक ग्लास होता है, ठीक है, और यह ग्लास में जो होता है पानी फिल किया हुआ है, ठीक है, पानी फिल किया हुआ है। यहाँ पर एक जो होती है क्या होती है कार्टून, यहाँ पर आपका इस ग्लास के ऊपर जो होती है एक कार्टून रख दिया जाता है, ठीक है, इस ग्लास के सरफेस में एक कार्टून रख दिया जाता है, ठीक है, और कार्टून के ऊपर जो होती है एक 5 रुपया का कॉइन रख दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही इस कार्टून को इधर से धक्का मारते हैं तो क्या होता है, अपना जो होती है ये पैसा जो रुपया इसके अंदर है, यहाँ पर जिसके ऊपर कूट के ऊपर रखा गया है, जड़त्व के कारण अपनी स्थिति को बनाए रखने के कारण, ठीक है, जब इसमें बल लगाया जाता है तो ये आगे की ओर निकल जाती है और यह अपनी स्थिति को बनाए रखती है और पैसा जो होती है जल में गिर जाती है, तो इसी के कारण जड़त्व का नियम के कारण ऐसा होता है, ठीक है, इसका आंसर 3 नंबर सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी पर जो किसी वस्तु का भार होता है mg,
वह चंद्रमा पर स्थित वस्तु के भार का कितना होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी पर स्थित वस्तु का भार का 1/6 होता है। ठीक है, चंद्रमा पर स्थित भार जो होता है किसी वस्तु के भार का 1/6 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/6 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज किसके लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है? ठीक, करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग को याद रखना है, मधुमक्खी के डंक, जैसे चींटी के डंक में हम लोग फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग चींटी के डंक में। ठीक है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल रहता है। ठीक है, सबसे पहली बात। और मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए हम लोग एंटीडोट किसका प्रयोग करते हैं? बैंकिंग सोडा का। बैंकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जो एक खाने वाली सोडा है। बैंकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 एक बैंकिंग सोडा का सूत्र होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोलते हैं। और यह एक खाने वाली सोडा है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग मधुमक्खी के डंक के इलाज करने में। और इसमें जब हम एक टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो इसी को जो होती है क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, इसी को बेकिंग पाउडर बोल देते हैं, जिसको हम लोग ब्रेड वगैरह में दे करके उसको फुलाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है इस वीडियो का अंत क्वेश्चन यही था, 97 नंबर का यह क्वेश्चन था। मतलब कि जो 2 शिफ्ट का क्वेश्चन था आपका, आपका पहला दिन का 7 सितंबर 2018 का जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट, उसका सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता दिया। और करीबन मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चन बताया, 50 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें से आपको जो है 50 से 60 क्वेश्चन में हम आपको करीबन नहीं से नहीं तो आपको 5 क्वेश्चन भी अगर हो जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन में हम जितना क्वेश्चन बता रहे थे उसके अनुसार आपका 250 क्वेश्चन टोटल हो गया होगा। तो आप लोग इसीलिए टाइम को मत देखिए कि टाइम कितना जा रहा है, आप लोग ये देखिए कि उसके थ्रू आपको कितना कॉन्सेप्ट मिल रहा है, जो टॉपिक वहाँ पर पूछा गया है उससे और क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है। तो वो सारे क्वेश्चन का मैं निचोड़ बताता हूँ। ठीक है, कि और अगला शिफ्ट में आपका जो है अगला 2019 में जो एग्ज़ाम होगा आपका ग्रुप डी का, वह और किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सारे आप लोग जो पॉइंट मैं बताता हूँ उसको साइड में थोड़ा सा नोट करते जाइएगा। तो इसलिए मैं जितना शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका टोटल 135 शिफ्ट का, और सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग को बतलाऊंगा। तो घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे सारे शिफ्ट हो जाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है गाइज, तो यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था और इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होती है और अगला वीडियो आपको कल अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी फिलहाल आप लोग देखिए और आप लोग जो है शेयर कीजिए और अपने कॉपी में जो एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है गाइज़।